ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ बिल्कुल साडा नीलम जी इत्थे लालचंद कटारू चक जी ने अहुदा संभाल रहे ने चेयर अज्यूम कर रहे ने वड्डी जिम्मेदारी मिली आ फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट आ तुहाडे कोले फॉरेस्ट तुहाडे कोले आ बड़े अहम डिपार्टमेंट ने सब तो वड्डी चुनौती आने वाली फसल की खरीद हुण तुसीं करनी आ तुहाडे मोढ़ियां ते जिम्मेदारी है कि की कहना चाहोगे लाजमी वड्डा डिपार्टमेंट आ मैनूं पार्टी ने सीएम साहब ने मैं उन्हां दा थैंक्स करदा उन्होंने बहुत वड्डी मतलब आसां ते उम्मीदां दे नाल मैनूं ये महकमा हैंडओवर किया और मैं पंजाब दे लोकां नूं खास करके किसान वीरां नूं बेनती करांगा भई तुहाडा एक एक दाणा जिहड़ा है वो असीं पंजाब दे अंदर रुल नहीं देवांगे खरीदांगे उहनूं इहदे अंदर जिहड़ियां वी चुनौतियां होणगियां वो असी उहनूं सार करांगे और अज मैं मीटिंग भी रखी है डिपार्टमेंट की फीडबैक भी लवेंगे ऑफिसर साहबान तो वो अंदर जी मेरी भूमिका है वह भी अदा करा सो जो भी होगा करा असं सरपंची तो एमएलए तो एमएलए तो कैबिनेट का सफर तुम तय किया बड़ी जल्दी यह सफर तय कर लिया जिम्मेदारियां वड्डियां है कि महसूस कर 34 साल लगे है जी मैं बिफोर 34 जेर तो इस फील्ड के अंदर मैं काम किया मैं लोगों हमेशा लड़िया संघर्षा के मैदान के मैं अलख जगाई है पंजाब के किरतियां लिए पंजाब के किसानों लिए मजदूरों लिए मुलाजमान लिए सो शायद वह कितना ना कि आम आदमी पार्टी ने पहचान के मैं टिकट दी है और मैं विधानसभा चुनिया गया मैं अपने हल्के के लोगों को भी सजदा करदा नमन करदा जिन्होंने मेरे वर्गे नवाने बंदे विधायक बनाया तो श्री अरविंद केजरीवाल जी और साडे महबूब आगू मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का मैं दिल दी गहराइयों धन्यवाद करदा जिन्होंने मेरे उत्ते भरोसा करके मैनूं एडा वड्डा महकमा दित्ता मंत्री साहब सीसीआर लिमिट हुण लैणी पऊगी केंद्र नाल राबते कायम करने पैणगे फसल खरीदनी पैणी आ चुनौतियां किस तरीके दीआं महसूस करदे हो अपने इस महकमे नहीं साहब करांगा केंद्र राज संबंधां दा जिहड़ा प्रोटोकॉल है जिहड़ी साडी सदाचारता है पंजाब भी तां इस देश दा पार्ट है सो देश राजा नाल बणदा ना कि अपने आप च देश कोई जिहड़ी है साडे संविधान की जिहड़ी रूह है वो ये सारा क्लीयर करती है सो इस करके राज खुशहाल रहणगे राज चढ़दी कला च रहणगे साडा देश चढ़दी कला च रहूगा जी तुसीं अज्यूम करो जी तुसीं इत्थे अज मैं अज थोड़ा जिहा वेट करो प्रोटोकॉल है मैं देखदा सीएम साहब आ रहे ने कौन आ रहे ने आमतौर ते सीएम साहब खुद आके बिठाउंदे चेयर ते विभाग मैं कोई गलबात होई आ रहे हां हां कोई भी है मैं थोड़े समय बाद तुहानूं 20 मिंट मैनूं दिओ धन्यवाद जी गल लालचंद कटारू चक जी जिहड़े कि महकमा अपना संभाल रहे ने ऑफिस सरकारी जिहड़ा मिलिया होया उत्थे पहुँच चुके ने तां इंतजार किया जा रहा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का हुण देखना होएगा कि वह कितने टाइम चाहते हैं लेकिन एक जिहड़ा अहुदा हैगा ये अहुदा काफ़ी चैलेंज भरिया हैगा आने वाले समय के कणक की फसल की खरीद हैगी आ सरकार हुणे हुणे बनी हैगी हुण देखना होएगा कि किस तरीके सीजन के किसानों नूं बिना दिक्कत आए किस तरीके मंत्री साहब जिहड़ी कणक की चुकाई करते हैं खरीद करते हैं जी रविंदर बिल्कुल तुसी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर लालचंद कटारू चक नाल गलबात कीती ते की कुछ उन्हां सामने चैलेंजेस ने क्योंकि आम आदमी पार्टी की गल की जाए तो उन्होंने जिहड़े 92 विधायक चुने गए ने उन्हां चों 80 नवे ने ते जिहड़े कैबिनेट मिनिस्टर बने ने ते इन्हां लई भी वड्डी चुनौती है क्योंकि हेठले पद्धर तो लैके उच्च पद्धर तक इन्हां नूं सिखण दी लोड़ है बिल्कुल जाहिर जी गल है क्योंकि अहदे नवे ने विभाग नवे ने लेकिन जिम्मेदारियां भी नवीं ने लेकिन जेडे तमाम जिम्मेदारियां जिहड़ियां हैगियां निभाउण दी गलबात तमाम कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं चाहे वह हरजोत बैंस जिहड़े कि सवेरे अपना चार्ज अज्यूम कर चुके हैं चाहे गल कर लीए लालचंद कटारू चक हरियां दी ये भी अपना चार्ज लै रहे हैं हालांकि समस्यावां जिहड़ियां हैगियां ने वह नवीं जरूर हैगियां ने लेकिन दावा किया जा रहा है कि किसानों किसी तरह की समस्या आने तो बिना जिहड़े तमाम जिहड़ी
कणक की फसल की जी खरीद वो की जाएगी। हालांकि इस तो पहला भारत भूषण आशु मंत्री सन पिछली सरकार के हूँ उन्होंने जगह पर नवी सरकार लाल चंद कटारू चक जी ने हूँ देखना होगा कि किस तरीके जोड़ा हैगा ये जरा फसल की खरीद का पूरा प्रबंधन हैगा वो चलाया जाएगा। ना ही डिपार्टमेंट हैगा जो फोरैसट डिपार्टमेंट के बहुत सारिया चुनौतियां जड़िया है उस विभाग के किस तरीके काम करते हैं क्योंकि अज हाले तिकर चार्ज संभाले ही है मंत्री साहब खुद मीटिंगा की गलबात कह रहे हैं कि मीटिंगा लिया जाएगियां मीटिंगा तो बाद जिहड़ा ये तमाम देखा जाए कि काम किस तरीके किया जाना रूपरेखा बनाई जाएगी। इस पूरे महकमे के लिए अज वो जो है अपने सरकारी दफ्तर पहुंचे हैं जी रविंदर।